खबरों की नई पहचान। टिंदरी अनुमंडल के दो थाने का नए भवन उद्घाटन झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने फीता काट कर किया। आपको बता दें कि झरिया थाना और जोड़ा पोखर थाना के नए भवन का उद्घाटन झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और धनबाद एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने फीता काट कर किया। वहीं धनबाद परिसर में सैकड़ों के तादाद में स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने झरिया की जनता को 8,10,00,000 रुपए की लागत से पूर्ण हुए योजनाओं का उद्घाटन किया। जोड़ा पोखर थाना के निकट 15,00,000 रुपए की लागत से ताली ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन किया। उद्घाटन का कितने का आज उद्घाटन किया? नहीं नहीं, कहाँ लगातार चल रहा है। लोकसभा चुनाव के चक्कर में तो हम सब लोग अटक गए थे, कुछ भी नहीं चल रहा था। 2.5 महीने कुछ नहीं किया हमने, और कई सारा ऐसा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमने पूरा करके रखा है जरिया में, और कई काम चल रहा है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग का चल रहा था वो था थाना भवन जो हमारे थे, जो जर्जर अवस्था में थे। आप देखेंगे कि धनबाद जिले में हर थाना भवन लगभग जो है वो नया बन चुका था, लेकिन झरिया को लगातार जो है इग्नोर किया जा रहा था। तो एक प्रयास मेरा था कि झरिया में नए थाना भवन उपलब्ध जो है यहाँ बने, और एक वर्ष पहले कोई मैंने शिलान्यास किया था और आज उद्घाटन किया है। तो दो थाना भवन हमारे जो है, एक झरिया में और एक जोड़ा पोखर जो सर्कल थाने हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र के, इनका जो है आज उद्घाटन किया है। इसमें से एक लगभग 2,74,00,000 की लागत से है, और दूसरा 2,85,00,000 की लागत का है। साथ ही उसके साथ ही आज हमने एक ट्रॉली ट्रांसफार्मर हमारा पहले ही जो है विभाग से मैंने जो है विशेष करके जो है JBVNL के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करके एक ट्रॉली ट्रांसफार्मर विभाग से मांगा था, लेकिन एक कम पड़ रहा था क्योंकि डिगवाड़ी जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में जो है लगातार लोग बोलते हैं कि हम इग्नोर हो जाते हैं, जो भी मिलता है वो झरिया की तरफ उधर ही मिलता है। तो एक और ट्रॉली ट्रांसफार्मर हमने आज जो है इसका उद्घाटन किया, ये विधायक निधि से है, और ये लगभग इसकी लागत 15,00,000 है। साथ में जो सबसे ज़रूरी काम हुआ है वो हुआ है कि हमारा जो WTP प्लांट है जामाडोबा का, जो हमारा पुराना प्लांट है जहाँ से झरिया को जलापूर्ति होती है, वहाँ पर कभी भी जो है निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए कभी भी ग्रिड स्थापित नहीं किया गया। बहुत प्रयास किया हमने और आज हमने जो है फाइनली काम पूरा हुआ, और आपके जामाडोबा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को निर्बाध बिजली की आपूर्ति 24 घंटा उपलब्ध हो इसके लिए आज एक उद्घाटन किया मैंने, ब्रेकर ऑन किया, क्योंकि लगातार बनने के बाद भी कई समस्याएं आ रही थी कि वहां पर पानी बंद होने के बाद झरिया को पानी की सप्लाई बंद हो जाती थी। तो एक आधी समस्या जो थी वो इस बात की थी कि प्लांट में पानी नहीं आता था, बिजली नहीं आती थी तो पानी रुक जाता था वहाँ पर। ये आधी समस्या जो है वो हमने निपटा ली है। बाकी जलापूर्ति जो हमारी योजना है उसका काम लगभग 70% हो चुका है। जैसे जैसे पाइप अवेलेबल हो रहा है बहुत जल्दी हम वहाँ पर प्लांट में हमारा सिविल का काम पूरा होने वाला है, वहाँ भी जाकर हम जो है शिलान्यास और उद्घाटन का कुछ कुछ कार्य करेंगे। मैं आपके माध्यम से हमारे झरिया के लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि एक एक बात जो मैंने अपने मुँह से कही है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो पूरा करके दिखाएंगे। उनमें से एक हमारा ये थाना भवन भी था जो हमेशा जर्जर अवस्था में रहा, 100 साल पुराना रहा, 80 साल पुराना रहा, वो करके दिखाया है। तो इस बात के लिए वो K-News खबरों की नई पहचान।